सबका यहाँ दिल से मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज मैं आपसे ये जो किसान के जो तीन नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं इनके बारे में बात करने आया हूँ। इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है। अच्छा भैया शांत हो जाएं। इन कानूनों के पीछे लक्ष्य क्या है? तीन कानून है। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। भाई और बहनों, अगर देश के कोने कोने में कोई भी अनाज खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, तो मंडी का क्या मतलब रहा? पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी बनाने का बिजनेस सबसे बड़ा है या हवाई जहाज उड़ाने का बिजनेस सबसे बड़ा है तो आप गलत फहमी में हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाने का बिजनेस देखें तो वहां एक व्यक्ति महिंद्रा गाड़ी बनाता है, दूसरा व्यक्ति टाटा गाड़ी बनाता है, पूरा का पूरा धंधा उनका है। कृषि का बिजनेस ऐसा नहीं है। कृषि का बिजनेस हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनेस उनके दो मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो आपका है, जो 40% हिंदुस्तान का है, वो सिर्फ दो लोगों के हाथ में चला जाए। और हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और ये मत सोचिए कि सिर्फ किसान बोल रहा है,
किसान के पीछे मजदूर खड़ा है, मजदूर के साथ छोटा व्यापारी।